मध्य प्रदेश में कांग्रेस के गोंगपा से हाथ मिलाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 5 सीटें गोंगपा को देगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से एक राज्यसभा की सीट भी दी जाएगी। माना जा रहा है कि आदिवासी वोटों को साधने के लिए ऐसा किया गया है। कांग्रेस ने गोंगपा से मिलाया हाथ। आदिवासियों का मिलेगा अब साथ। जिन वोटरों को सत्ता का किंग मेकर माना जाता है, उन आदिवासियों को साथ लाने की होड़ शुरू हो गई है। अब तक सिर्फ वादे और घोषणाएं हो रही थी, लेकिन अब उन छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश होने लगी है जिनका आदिवासियों के बीच प्रभाव माना जाता है। इसी के तहत कांग्रेस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हाथ मिलाया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस गोंगपा को 5 सीटें देगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से एक राज्यसभा की सीट की भी देने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच सहमति बन चुकी है। सियासी गलियारों में इसे आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश मानी जा रही है। तमाम जो दल हैं कांग्रेस के साथ एक मंच पर खड़े होना चाहते हैं, उन पर विचार विमर्श चल रहा है। माननीय कमलनाथ जी के ही नेतृत्व में 2018 में हमें आदिवासी वर्ग का भरपूर सहयोग मिला था और जिसकी वानगी आपने देखी थी कि कैबिनेट में भी हमने उनके जन अधिकारों को सुरक्षित किया था। ये सब चर्चाएं करेंगे। दरअसल कांग्रेस के पास में प्रत्याशी कई सीटों पे है ही नहीं। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से समझौता कर करके सीटें दी थी कि आप अपने कैंडिडेट हमें दे दो, हम कांग्रेस के नाम से घोषणा कर देते हैं। और इसलिए पिछली बार आपने देखा था कि किस तरह से पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। अभी भी प्रत्याशी नहीं है तो ये स्थिति बन रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर गोंगपा का प्रभाव कितना है और इससे गठबंधन के क्या मायने हैं। तो दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ट्राइबल वोटरों में जनाधार है। 2018 में 19 सीटों पर जीजेपी को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। गोंगपा की वजह से कांग्रेस 30 सीटों पर जीत से दूर रह गई थी। गोंगपा के साथ से 2023 में 50 सीटों का फायदा हो सकता है। आदिवासी सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। दरअसल 2018 में जयस और कांग्रेस साथ साथ थे, इससे कांग्रेस को आदिवासी सीटों पर फायदा मिला था। लेकिन इस बार जयस अलग है, इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए गोंगपा से गठबंधन हो रहा है। महाकौशल के कई इलाकों में कांग्रेस को चुनाव में जो नुकसान होता है उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक मुख्य वजह है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मैदान में होने से उसका जो प्रतिबद्ध वोटर है वो उसका डिवीजन हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहती है, रणनीति यही रहती है कि यदि कांग्रेस की सत्ता में जो है रोकना है कांग्रेस को सत्ता में आने से, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होना जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को यदि कांग्रेस क्रैक कर लेती है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता कर लेती है तो दोनों को ही फायदा है। भारतीय जनता पार्टी को जो भी नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। यदि 5 सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को देने पे कोई सहमति बन रही है तो कांग्रेस इसके एवज में बहुत सारी सीटें जीतना चाहती है। अब जरा गोंगपा की ताकत को भी समझ लीजिए। 2003 में गोंगपा के 3 विधायक थे, फिर 2008 में पार्टी 93 सीटों पर लड़ी थी, 2013 में 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन कोई जीत नहीं पाया था। हर चुनाव में दमदार मौजूदगी रहती है। अब आपको आदिवासी वोटों की अहमियत भी बता देते हैं। 2008 में 47 में से कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 29 सीटें मिली थी। इसी तरह 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, जबकि 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली थी। यानी 2013 की तुलना में 2018 में कांग्रेस को डबल अंकों का फायदा हुआ था। आदिवासियों का साथ कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इन बातों से ही लगा सकते हैं कि 89 विकास खंडों में इनका दबदबा है। आदिवासियों की कुल आबादी 21% है। विधानसभा में 47 सीटें रिजर्व है जबकि लोकसभा में 6 सीटें रिजर्व है। इसीलिए ट्राइबल वोटों की फिक्र पार्टियों को सबसे ज्यादा रहती है।
मध्य प्रदेश में चुनावी समय है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जहां एक और राजनीतिक दल जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो वहीं ऐसे दलों का भी सहारा लेने की पुरजोर कोशिश की जा रही है जिनके सहारे सत्ता का शिखर आसानी से मिल सके। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब गुगप्पा का हाथ थाम लिया है, यानी कि करीब 5 सीटों पर गुगप्पा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर आदिवासी बाहुल इलाकों में गुगप्पा किस तरह से आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है और कितनी सीटों पर परचम लहराती है और इसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना मिलता है। वीडियो लिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि सत्ता के लिए एसटी सीटों पर जीत जरूरी होती है। 2018 में बीजेपी को झटका लगा था, 2018 के ट्रेंड को देखकर कांग्रेस गठबंधन पर जोर दे रही है ताकि 2023 में भी आदिवासी सीटों पर बढ़त मिल सके किसी तरीके से, और कांग्रेस पार्टी इस बार भी कोई चूक करना नहीं चाहती। वहीं मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के हमले